चुनाव में पहले चरण की मतगणना शुरू हो चुकी है और अभी तक डाक मतपत्रों में बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। सर, डाक मतपत्रों में बीजेपी नहीं, प्रथम राउंड पूरा हो गया है। प्रथम राउंड में हम आगे, चाहे वो छिंदवाड़ा हो, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, चाहे ग्वालियर। मेरे दतिया में तो 15 वार्ड के नगर पंचायत बड़ौनी के परिणाम आए, 15 में ही भाजपा जीत गई, क्लीन स्वीप हुआ है। एक भी दूसरा है ही नहीं कांग्रेस के नाम के लिए। हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। दतिया शहर में भी बढ़त बनाए हुए हैं लंबी तरीके से। प्रारंभिक फर्स्ट राउंड में सभी जगह भारतीय जनता पार्टी है, फिर भाजपा, फिर शिवराज। हेलीकॉप्टर मध्य प्रदेश में उड़ेगा या दिल्ली में? कहीं भी नहीं उड़ेगा ये हेलीकॉप्टर, ये ईंधन के बिना खड़ा रहेगा। आप देखना, आज पूरे दिन कहीं नहीं जाएगा। ये हास्यास्पद बातें हैं, ऐसी करना भी नहीं चाहिए। सर, अगर बात की जाए तो पहले फेस और दूसरे फेस में जो है वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा है, तो इससे कुछ जीत का अंतर कम ज्यादा होता है? जीती तो भाजपा ही है। वोटिंग परसेंटेज निश्चित कम रहा था ग्वालियर भोपाल का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग साथ हैं, शिवराज सिंह जी की जनकल्याणकारी नीतियों के साथ। ओबीसी और आम आदमी पार्टी भी मैदान में, इसका कुछ नहीं, कहीं नहीं दिखेगी आपको। एक खास सीट आ जाए तो बहुत है। 16 की 16 यथावत बीजेपी अभी तक तो रुझान यही है। आज 16 का नहीं है शायद, पर आज 11 का है, पर क्या यथावत पर बिल्कुल भाजपा की जनता पड़ी बड़े। बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यही कहना है कि आज जो परिणाम आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में आएंगे और 17 जुलाई और 20 जुलाई को जो परिणाम होंगे वो बीजेपी के पक्ष में होंगे। 16 की 16 सीटें जो है बीजेपी जीतेगी। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।